तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सर्वाइव करूंगा अनदर 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पिक्सल मोड और यह मेरे मेन गोल। पहला, सनफ्लावर बायोम में से लेजेंडरी पोकेमोन कॉस्मोप को पकड़ना। दूसरा, नेक्रोजमा और सोलगिलियो को कॉम्बाइन करके डस्ट मेड नेक्रोजमा के अंदर ट्रांसफर करना। और तीसरा, आखिर में सारे ही अलग अलग पोकेमोन के साथ यानी कि बॉस पोकेमोन के साथ लड़ना। तो क्या मैं इस गोल को पूरा कर पाऊंगा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखे। तो गाइस, हमारे इस वाले पिक्सल मोन के एडवेंचर के अंदर मैं चाहता था कि एज अ स्टार्टअप पोकेमोन मैं बिल्कुल ही नए पोकेमोन को सिलेक्ट करूं। तो इसीलिए मैंने इन सभी अलग अलग जनरेशन के पोकेमोन में से सिलेक्ट किया सिमसार को, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी पिक्सल मोन की सीरीज के अंदर सिमसार को एज अ स्टार्टअप पोकेमोन नहीं लिया था। और लकीली लक के साथ इस बार मेरा स्पॉनिंग पॉइंट भी एक विलेज था। मतलब कि यार, हमारी ए वाली पिक्सल मोन की सीरीज बड़े ही लक के साथ शुरू हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो विलेज के अंदर स्पॉन होते ही मैंने विलेज को लूटना शुरू कर दिया। विलेज को लूटना नहीं बल्कि विलेज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि लूटने का काम इसके बाद होगा। तो ये पूरा का पूरा विलेज बहुत ही हरा भरा था, मतलब ऐसे भी और वैसे भी। एंड यहाँ के इंसानों की तो बात ही मत करो भाई, यहाँ के इंसान बड़े ही दिलदार थे। मैं इनके सामने इनकी चीजों को लेने की कोशिश कर रहा था और ये मुझे ना भी नहीं कह रहे थे, लेकिन एक सिग्मा मेल होने की वजह से मैंने इनकी लूट को नहीं लूटा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बल्कि वीडियो की शुरुआत में लूटम लूट करने से गलत इंप्रेशन पड़ता है। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि आप एक सिग्मा मेल हो या नहीं। वो कैसे? आपको सिर्फ इस वाले पोकेमोन का नाम कॉमेट के अंदर बताना है। एंड अगर आपने इसका सही नाम कॉमेट कर दिया तो आप एक सिग्मा मेल या फिर फीमेल हो सकते हो। एनीवेज, तो आगे बढ़ के मैंने अपने क्यूट क्यूट छोटे छोटे पहले पोकेमोन यानी कि सिमसार को बाहर बुलाया। लिटरली गाइस, ये बहुत ही क्यूट था और ऊपर से इसकी पूंछ पे आग लगी हुई थी। तो सिमसार को वापस बुलाने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने अपने पुराने काम यानी कि लूटम लूट को शुरू कर दिया। लूट को लूट के मैं आगे बढ़ी रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है मियोत का हमला। मियोत के 10 लेवल और सिमसार के सिर्फ 5 लेवल होने के बावजूद हमारे सिमसार ने मियोत को कड़ी टक्कर दी, बट अनलकीली वो अंत में हार गया। हमारा ओपोनेंट हमसे 2 गुना बड़ा था, इसीलिए इस वाली फाइट को हार के मैं जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। आगे सिमसार को रिवाइव करने के लिए मैं पोके सेंटर को ढूंढ रहा था, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस पूरे गांव के अंदर एक भी पोके सेंटर नहीं है। चलो कोई ना, इसी बात पे मैंने यहाँ की पोके शॉप को विजिट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ की पोके शॉप भी बहुत ही बदल गई है। यहाँ पर नए नए वेंडिंग मशीन लग गए हैं। तो आगे हमारे सिमसार को रिवाइव करने के लिए मैंने नए विलेज को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इस काम को करते वक्त एक पोकेमोन मेरा पीछा कर रहा था और ये पोकेमोन कोई और नहीं बल्कि वही मियोत था जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। आई डोंट नो कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा था, लेकिन इसको देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको ठिकाने लगा दिया। प्लीज हेल्प मी। इसके बाद मैं बोट लेकर नए विलेज की तलाश में खुशी खुशी निकल गया। रास्ते में मुझे एक डिजर्ट टेम्पल जैसा बिल्ड दिखा जो कि एक बंद रेडियन था। आगे मैंने अपने सफर को कंटिन्यू किया जो कि लिटरली बहुत ही लंबा था। रातों की रात बीत गए, दिन के दिन बीत गए। मुझे विलेज तो नहीं मिला, लेकिन रास्ते में सबसे बेवकूफ कहलाने वाला एक पोकेमोन तो जरूर मिला। मतलब कि यार, इस मेजिक आपके पास जितना वेल्लापन है ना, उतना वेल्लापन तो मेरे पास भी नहीं है। एनीवेज, तो थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे एक अंडरग्राउंड ट्रेजर रूम मिली जिसके अंदर एक मास्टर बॉल चेस्ट थी। मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर थी रूम सर्विस, हमारी नहीं पोकेमोन्स की। तो ट्रेजर रूम से थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे एक रुइन टेंपल मिला। लिटरली यार, दुनिया भर की सारी चीजें मिल गई लेकिन एक विलेज ही नहीं मिला। पर यार, कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लूट थी उसको लूट कर मुझे तो मजा आ गया। तो कई सारे दिन, महीने और सालों के बाद मैं फाइनली एक विलेज के अंदर जा पहुंचा, लेकिन ये विलेज मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर टीम रॉकेट के पोकेमोन्स और शायद यहाँ पर खुद ब खुद टीम रॉकेट के मेंबर्स भी थे। यहाँ पर एक बंदा था जो कि मुझसे भी
आई मीन टीम रॉकेट से भी बड़ा शोर था, गेहूं उगे नहीं कि इसने तोड़ लिए। मैंने जब इससे बात की तो इसने मुझसे ही चीजें मांग ली। ये मुझसे मांग रहा था संतरे, भला मैं संतरे कहाँ से लाऊं। ये तो ऐसा हो गया कि मेरे घर पे नहीं है खाने को आटा, और शोर ने आके उल्टा कोतवाल को डांटा। आगे बढ़ के मेरा शक और भी पक्का हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली टीम रॉकेट का मेंबर दिख गया। मैंने कहा सोड़ो, मैं अपने पोकेमोन को रिवाइव करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन यहाँ पर और भी गरीबी थी। पोके सेंटर के अंदर एक भीख देने का डब्बा था, जिसके अंदर दी हुई भीख को मैंने ले लिया। एनीवेज तो आगे मैंने हमारे सिमसार को फाइनली रिवाइव किया और यहाँ से निकल गया। बट उससे पहले मैंने नर्स जॉय को थैंक्स कहा, क्योंकि उन्होंने हमारे पोकेमोन को रिवाइव किया है। आगे मैंने यहाँ की पोके शॉप को विजिट किया, इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें बेची जा रही थी, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, इसीलिए मुझे जो रुइन टेंपल में से लूट मिली थी उनको मैंने बेच दिया। इन सारी की सारी लूट को बेच के मेरे पास टोटल 7,210 रुपए हो गए। इन पैसों का यूज करके मैंने 1200 की प्राइस वाले से अल्ट्रा बॉल खरीद लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया था नए पोकेमोन को पकड़ने का। इंडिया जबकि पूरा विलेज शोरों से भरा हुआ था, तो मैंने भी अपना हाथ आजमा लिया। मैं बैठने के बहाने शॉप के ऊपर गया और वहां पर जाकर मैंने अपने हाथों की कलाकारी दिखाई। पूरी शॉप को लूट के मैंने अपने सारे सामान को बैकपैक के अंदर रख दिया, और इतने सारे काम को करके मैं बहुत ही थक गया हूँ। इसीलिए जब तक मैं आराम करता हूँ, तब तक आप जाकर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको पिक्सेलमोन का मोड पैक चाहिए तो मैंने उसको डिस्कॉर्ड एंड इंस्टा दोनों पे ही दे दिया है। आप कहीं पे भी जाकर मुझसे डायरेक्टली मांग सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आगे हमारे सिमसार का लेवल बढ़ाने के लिए मैंने उसकी फाइट अलग अलग पोकेमोन के साथ करवाई, जिसमें से पहला पोकेमोन वुलू। हमारा सिमसार इस पार्ट के अंदर हारते हारते बसा। मैंने सिमसार के ऊपर पोशन का यूज किया, जिसके बाद उसकी हेल्थ वापस आई और उसने फाइट को कंटिन्यू किया। लकीली सिमसार ने वुलू को फेंटिल कर दिया और हमने इस वाली फाइट को जीत लिया। फाइट को जीत के सिमसार का लेवल भी इंक्रीज होके 7 हो गया। आगे फाइट खत्म होते ही पता नहीं क्यों ये घोड़ा बहन का पकौड़ा हमारे पास आ गया और हमारे साथ लड़ने लगा। और बात करें इसके लेवल की, तो इसका लेवल था 31। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि कहां पर हमारा सिमसार गंगू तेली और कहां पर है पोंटिया राजा भोज। इस साले पोंटिया ने हमारे सिमसार की एक ही बार में बत्ती गुल कर दी। तो कई दिनों तक सिमसार के लेवल बढ़ाने के बाद मैंने अपने सफर को कंटिन्यू किया और आगे निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कोस्ट टावर दिखता है और इसके पास जाते ही इसके अंदर आए हुए ट्रेनर ने मेरे साथ फाइट शुरू कर दी। फाइट शुरू होते ही मैंने इससे सिर्फ एक ही बात कही, अरे कुतरा गधेड़ा, हमारा पोकेमोन ना लेवल तो जो, मेरा सिमसार सिर्फ 8 का छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, आओ। तेरे को शर्म नहीं आई एक अबला पोकेमोन ट्रेनर के ऊपर अटैक करते हुए? ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कट कर देना। एनीवेज तो घोस्ट टावर से कल्टी मार के मैं एक माउंटेन बायोम पे जा पहुंचता हूँ, जहाँ पर मुझे एक हट्टा कट्टा माचो के दिखता है। I mean, यहाँ पर मुझे एक हट्टी कट्टी माचो के दिखती है। एंड टू बी होनेस्ट गाइज, माचो के मेरा बॉक्सिंग टाइप का सबसे फेवरेट पोकेमोन है, इसीलिए इसको देखते ही मैंने इसको पकड़ने की ट्राई शुरू कर दी। लगभग 11 या 12 ट्रायल्स के बाद माचो के फाइनली हमारा हुआ। आगे माचोकी की मदद से मैंने सिमसार का लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड नॉट टू मेंशन, मैंने मियोत के साथ के हमारे बदले को भी पूरा कर दिया। जलवा है हमारा। एनीवेज तो रात होने तक कंटिन्यूअसली फाइट करने के बाद हमारा सिमसार फाइनली इवोल्व होके मोनफेरनो के अंदर बदल गया, और ये वाला पल हमारे लिए बहुत ही खुशी का था। इवोल्व होने के साथ ही मोनफेरनो ने अपने मूव्स को भी सीख लिया। आगे मैं माचोकी के ऊपर बैठ के नए एक्टिव रेडेंट को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे कई सारे रेडेंट्स तो मिले, लेकिन वो सभी के सभी अनएक्टिव थे, इसीलिए ठक हार के मैं एक आईसी रेडेंट के पास रुक गया। उसके एक्टिव होने तक मैंने वेट किया, लेकिन अनलकीली ये वाला रेडेंट सालों के सालों बीत जाने के बावजूद शुरू ही नहीं हुआ। आखिर में मेरी प्रतीक्षा का बंधन टूट गया और मैं माइनिंग के लिए निकल गया। माइनिंग करते करते मेरा सामना होता है एक पोकेमोन के साथ, जो कि एकदम छोटा सा और बहुत ही क्यूट था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सेबली की। इसका लेवल भी 32 था, यानी कि हमारे लिए एकदम परफेक्ट, इसलिए मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल बेझिझक फेंक दिया। लेकिन ये सेबली बहुत ही शरारती था, इसको हमारी टीम में आना ही नहीं था। बट बहुत सारी ट्रायल्स के बाद मैंने फाइनली सेबली को पकड़ ही लिया। हवा, हवा, ए, हवा,
लुटा दे। आगे माइनिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं एक माइंड शिफ्ट के अंदर जा पहुंचा, जहाँ की माइंड चेस्ट के अंदर से मुझे एक मून स्टोन मिला। तो बेसिकली पोकेमोन की दुनिया के अंदर सारे ही स्टोन्स अलग अलग टाइप के पोकेमोन को अलग अलग तरीके से इवोल्व करते हैं। मतलब कि पोकेमोन के वर्ल्ड के अंदर उनके अलग अलग टाइप्स के पोकेमोन यानी कि रॉक, फायर, वाटर, मून वगैरह वगैरह होते हैं, जिनको अपग्रेड यानी कि इवोल्व करने के लिए हमें उनके स्पेसिफिक स्टोन चाहिए होते हैं। एनीवेज तो माइनिंग को करते हुए मैं एक लावा वाले पार्ट पे जा पहुंचा, जहां पर माइनिंग करके मुझे मिला एक फायर स्टोन शार्ड। लिटरली गाइस इन शार्ड्स को कॉम्बाइन करके मैं बना सकता था फायर स्टोन, और लकीली लक के साथ यहां पर फायर स्टोन शार्ड्स की कमी नहीं थी। मैंने दो फायर स्टोन मिल सके उतने शार्ड्स को माइन कर लिया। एंड आई फॉरगेट टू मेंशन, माइनिंग करते हुए मुझे थोड़े बहुत डायमंड्स भी मिल गए। तो माइनिंग के दौरान ही मुझे एक स्पॉनर दिखता है, जिसको तोड़ते ही उसके अंदर से कई सारे पोकेमोन स्पॉन होते हैं। और पता नहीं क्यों ये सारे के सारे पोकेमोन्स मेरे साथ फाइट भी करना चाहते थे। मैंने इनमें से एक दो पोकेमोन के साथ फाइट करी, फिर मैंने मौका देखते ही इन बड़े लेवल के पोकेमोन्स को पकड़ना शुरू कर दिया। इन सारे पोकेमोन में से मैंने सिर्फ एक ही पोकेमोन को पकड़ा, जो कि था घोस्ट टाइप पोकेमोन यानी कि कोपेग्रिगस। एंड टू बी ऑनेस्ट, सारे ही पोकेमोन की तरह इस वाले पोकेमोन को भी पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। बट कैसे भी करके मैंने इसको पकड़ लिया, और इसको पकड़ते ही मैंने गोटी 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 नाम की एस्टीमेट को भी पूरा कर लिया। तो गाइस यहाँ पर और भी स्पॉनर थे, जिनको मैंने बाद में आकर खोलने का डिसाइड किया। तो आगे हमारे सारे सामान को एक इग्लू के अंदर रख के मैंने हमारे घर को बिल्ड करना शुरू किया। और तो और मुझे इस इग्लू की लूट के अंदर से रिलिक स्टैचू और रिलिक वास मिलता है, जिसके भाव भय बहुत ही तगड़े होते है। ओके, तो हमारा घर बनके तैयार है। आपको ये घर कैसा लगा वो कमेंट के अंदर बताना मत भूलना। एंड या हमारा पोकेमोन द लेजेंड ऑफ नेक्रोज्मा की सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस एट द एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोर पे के लिए आप मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।